दोस्तों अभी अभी खबर मिली है कि हमारे फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर जी का अब निधन हो गया है। आचरेकर जी शिवाजी पार्क के दादर मुंबई में यंग क्रिकेटर्स को कोचिंग देने के लिए सर्वाधिक फेमस हैं। इसके अलावा इन्होंने क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर को भी बहुत कुछ सिखाया है। रमाकांत को मुंबई क्रिकेट टीम में खेलने के लिए भी सिलेक्ट किया जा चुका है। कहा जाता है कि आचरेकर सचिन के दिल के बहुत करीब थे और ऐसे में उनके चले जाने से सचिन को बहुत क्षति पहुंची है। सचिन ने अपने रिटायरमेंट के वक्त भी अपनी स्पीच में रमाकांत आचरेकर जी का जिक्र किया था। आचरेकर ने क्रिकेट खेलना मात्र 11 वर्ष की उम्र से ही शुरू कर दिया था। 1990 में इनके महान कोचिंग अंदाज को देखते हुए इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से भी नवाजा गया। इन्हें 2010 में पद्मश्री सम्मान के लिए भी नॉमिनेट किया गया, जो किसी भी खेल कैटेगरी में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। ये सम्मान इन्हें दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में 7 अप्रैल 2010 को उस वक्त के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने दिया था। 2010 में ही इन्हें 12 फरवरी को हमारे भारत के फॉर्मर कोच गैरी कस्टन द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया। दोस्तों आज 87 वर्ष की उम्र में हमारे फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कोच आचरेकर जी का निधन हो गया, जिससे निश्चित रूप से सचिन रमेश तेंदुलकर को बहुत क्षति पहुंची है, क्योंकि ये उनके दिल के बहुत करीब थे।